गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माई सेल्फ जनसार किशोर। टुडे आई विल टीच इन स्टैंडर्ड 11 द नेम ऑफ द बुक स्नैपशॉट। दिस सप्लीमेंट्री बुक चैप्टर नंबर 4। द नेम ऑफ द चैप्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन इट्स स्कूल। इन अ लास्ट वीडियो आई हैव कंप्लीटेड अप टू पेज नंबर 27 एंड नाउ we have to go ahead with the page number 28. Okay friends, so let's start. I can't imagine a doctor saying that, said Yuri. Yuri ne kaha ki main aisa soch nahi sakta ki koi doctor is tarah se likh kar dega. Kyun? Kyunki he is all right. If any person is all right, then why should a doctor say that he has a this problem? ओके, तो ये सोचता है कि कोई डॉक्टर ऐसा लिख कर देगा, मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ। तो इन रिप्लाई द अल्बर्ट सेड आई मस्ट ट्राई, मैं ट्राई करूँगा, ही सेड टू फाइंड अ डॉक्टर वो स्पेशलिस्ट इन नर्व्स। खाली आप ये फाइंड आउट करो कि कोई ऐसा डॉक्टर के जो नर्व्स में कोई स्पेशलिस्ट हो, आप उसको फाइंड आउट करो। देर आर प्लेंटी ऑफ देम, यूरी टोल्ड हिम। यूरी ने कहा भाई ऐसे बहुत सारे हैं। He hesitated for a moment. वो थोड़ी देर के लिए moment, थोड़े एक second के लिए थोड़ा hesitate हुआ, ओके, एंड देन एडेड, उसके बाद क्या, rather reluctantly, यानी वो उस time पर जो hesitate था, उस time वो सोच रहा था कि किसका नाम बताऊँ। I will ask some of the students if they know one, if you like. फिर सोचा लेकिन कुछ याद नहीं है, तो बोले एक काम करता हूँ, मैं अपने जो स्टूडेंट्स है उसको पूछता हूँ कि कोई ऐसा डॉक्टर हमें मिल जाए। विल यू ओके, विल यू, ओ थैंक यू यूरी, तो क्या आप ऐसा कर लोगे? ओ थैंक यू यूरी, इस तरह से अल्बर्ट यूरी को क्या कहता है, धन्यवाद कहता है। अल्बर्ट्स आईज वेयर शाइनिंग, तो जैसे यूरी ने कहा पे आई विल डू, तो ये बात सुनकर ये जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे उसकी आंखें जैसे चमकने लगी, यानी उनसे उसको लगा कि जैसे काम हो गया। वेट अ मोमेंट, आई हैवन फाउंड वन येट, मैंने अभी तक फाइंड आउट नहीं किया है। ओ बट यू विल, लेकिन आपका काम हो जाएगा। एंड इफ आई डू, आई डोंट नो इफ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू। अगर मैंने फाइंड आउट भी कर दिया, लेकिन फिर भी मुझे ये पता नहीं कि वो इंसान विलिंग यानी अपनी इच्छा से आपको हेल्प करने के लिए रेडी होगा या नहीं होगा। इन शॉर्ट, उसके माइंड में अभी कन्फ्यूज़न चल रहा है। तो अल्बर्ट ने क्या, ही विल डिक्लेयर अल्बर्ट। अल्बर्ट को कॉन्फिडेंस है, कह रहे वो दे देगा। आप खाली मुझे क्या करो, ऐसा इंसान बता दो, ऐसा डॉक्टर बता दो, वो मुझे लिख कर दे देगा। ओके, यानी इन शॉर्ट ही इज़ कॉन्फिडेंट। अल्बर्ट को कॉन्फिडेंस था कि वो मुझे ऐसा करके दे देगा। आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेकडाउन, मैं नर्वस ब्रेकडाउन कर दूंगा। दैट मीन्स अगर रियली जो चीज़ है तो डेफिनेटली वो मुझे लिख कर दे देगा। टू मेक इट ईजियर फॉर हिम, कि उसके लिए एकदम ईजी हो जाएगा, मैं रियली नर्वस ब्रेकडाउन कर दूंगा कि जिसकी वजह से वो जो डॉक्टर है उसको बहुत ही ईजियर हो जाएगा। ही लाफ्ड, हंसने लगा, मेरे लिए खुशी होकर, वो खुश होकर वो हंसने लगा। I have never seen you looking less nervous, remarked Yuri. तो यूरी ने कहा कि मैंने आज तक कभी भी आपको नर्वस नहीं देखा, लेस नर्वस यानी कभी भी कम नर्वस देखा नहीं। A day or two at school will soon put that right. A day or two यानी एक या दो दिन में स्कूल में will soon put that right, सब ठीक हो जाएगा। Albert assured him के स्टार्टिंग में जैसे कि स्कूल वालों को लगेगा, लेकिन फिर जैसे अगर मैंने ये उसका जो प्लानिंग था कि भाई ये मुझे एक ऐसा डॉक्टर लिख कर दे दे और मैं दे दूँगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सर्टनली ही हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट व्हेन यूरी सो हिम नेक्स्ट, ठीक है। सर्टनली ही हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट, उसकी जो हाई स्पिरिट थी जैसे लॉस्ट हो गई थी। When Yuri saw him next, जब नेक्स्ट टाइम उसको देखा था। I can't stand it any longer, he said. उसने बोला मैं लॉन्ग टाइम तक जैसे यहाँ पर रुक नहीं सकता हूँ। I really shall have a nervous breakdown
देट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर। अगर मैं लॉन्ग टाइम यहाँ पर रुका तो डेफिनेटली मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाऊँगा और डॉक्टर मुझे क्या होगा सेटिस्फाइडली वो मुझे लिख कर दे देगा। कीप इट अप देन, सेड यूजिंग वो नो प्रॉब्लम, तो रखो। आई हैव फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू, मैं आपके लिए एक डॉक्टर क्या करता हूँ फाइंड आउट कर देता हूँ। यानी यहाँ पर यूरी एग्री होता है क्योंकि मैं एक डॉक्टर आपके लिए फाइंड आउट कर देता हूँ। यू हैव, आल्बर्ट्स फेस लिट अप, आपको करना ही है। आल्बर्ट का चेहरा एकदम लिट अप यानी चमकने लगा, यानी उसको जैसे लगा कि भी अभी एकदम पक्का हो गया कि यूरी विल डू माई वर्क। यूरी ऐसा कोई डॉक्टर डेफिनेटली फाइंड आउट कर देगा कि जो मुझे क्या होगा हेल्पफुल होगा, मुझे जो लिखवाना है वो इस तरह से मुझे लिख कर देगा और इसकी वजह से मैं स्कूल में वो लेटर देने के बाद आई विल गेट अ रिलैक्स। मैं यहाँ पर घर पर रुक सकता हूँ, यानी घर पर तो नहीं रुकता था लेकिन उसको ये जगह छोड़कर कोई दूसरी जगह अपना नसीब आजमाने के लिए जाना था। आल्बर्ट फेस लिट अप, ओ गुड, व्हेन आई कैन सी हिम, अच्छा तो ढूंढ रहे हैं तो मैं उसको कब मिल पाऊँगा। आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टूमोरो इवनिंग, ओके। तो ये जो बात हुई कि भी मैं आपको टूमोरो इवनिंग की मैंने अपॉइंटमेंट क्या की है ले ली है। यूरी सेड हियर इज़ द एड्रेस, ये रहा उसका एड्रेस। यानी अभी इसमें क्या हुआ कि भी ये लोग की यह बात कंप्लीट हुई, फिर नेक्स्ट टाइम जब यानी दूसरे दिन यूरी सो हिम नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट टाइम जब मिला तो ये जो था आल्बर्ट वो पहले से बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। तो उसने ऑलरेडी यूरी ने क्या किया था, एक डॉक्टर को फाइंड आउट करके ही आया था और उसको बोला कि भाई तेरा काम हो गया है। तो बोला ओके हो गया तो अभी मुझे कब मिलना है, तो बोले टूमोरो इवनिंग के मैंने क्या किया है अपॉइंटमेंट ले ली है और ये रहा उसका एड्रेस। इस तरह से वो एड्रेस देता है और उसका जो अपॉइंटमेंट टाइम होता है वो उसको दे देता है। ही हैंडेड आल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर, उसने आल्बर्ट को पीस ऑफ पेपर यानी जिसमें एड्रेस लिखा था वो डॉक्टर का, वो डॉक्टर का एड्रेस वाला जो कागज़ था वो आल्बर्ट को क्या किया हैंड ओवर किया। डॉक्टर अर्नस्ट वेल, ओके, वो डॉक्टर का नाम था अर्नस्ट वेल। इजी अ स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स, अभी ये कागज़ जब उसने पढ़ा आल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो उसने नाम पढ़ा उसका कि डॉक्टर अर्नस्ट वेल। फिर वो पूछता कि क्या ये नर्वस ट्रबल में स्पेशलिस्ट है, आस्क आल्बर्ट, आल्बर्ट ने पूछा। नॉट एग्जैक्टली यूरी एडमिटेड, उसने बोला नॉट एग्जैक्टली, यूरी ने एडमिट करते हुए कहा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट वीक। मैटर ये है कि वो लास्ट वीक में ही ये क्वालिफाइड हुआ है, दैट मीन्स ही गॉट द डिग्री, ही गॉट द डिग्री यानी डिग्री के अकॉर्डिंग ही इज अ क्वालिफाइड, ओके। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट, शायद आप उसके फर्स्ट पेशेंट होंगे, शायद आप उसके क्या है फर्स्ट पेशेंट हो। यू न्यू हिम एज अ स्टूडेंट देन, तो आप उसको एक स्टूडेंट की तरह मान सकते हो। आई हैव नोन अर्नस्ट फॉर ईयर्स, यूरी हेजिटेटेड फॉर अ फ्यू मोमेंट, ही इज नॉट अ फूल, ही वॉन आल्बर्ट। तो यूरी ने ये डॉक्टर अर्नस्ट के बारे में कहा कि भाई आई नो अर्नस्ट फॉर ईयर्स, मैं बहुत सालों से ये डॉक्टर अर्नस्ट को जानता हूँ। यूरी हेजिटेट फॉर ए फ्यू मिनट, वो थोड़ी देर के लिए एकदम हेजिटेट होता है यानी बोलना बंद कर देता है, मन में उसके कुछ ख्याल चलते रहते। फिर वो कहता है अल्बर्ट आइंस्टाइन को ही इज़ नॉट अ फूल, वो पागल नहीं है। इन शॉर्ट कि आपको जो डिजीज़ नहीं है लेकिन फिर भी आप इस तरह से कहोगे कि आई हैव सो एंड सो डिजीज़, तो ऐसे बिलीव कर लेगा, मान लेगा आपकी बात को, एकदम सच मान लेगा, ऐसा वो पागल नहीं है। ही वॉर्नेड आल्बर्ट, उसने आल्बर्ट को वॉर्न किया कि भाई आपको जो है वो रियली बताना, जो चीज़ नहीं है वो चीज़ बताना नहीं, ओके। व्हाट डू यू मीन आल्बर्ट, उसका आपका मीनिंग क्या है। डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आइस, उसकी आँख में धूल झोंकने का ट्राई मत करना, दैट्स ऑल। यानी जो है वो सच ही बात बताना और जो बी फ्रेंक, अब बी फ्रेंक होकर आपको जो प्रॉब्लम है वो उसको बता देना तो डेफिनेटली वो आपको क्या करेगा हेल्प करेगा, ओके। बी फ्रेंक विथ हिम, उसके साथ एकदम फ्रेंकली रहना,
बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट वॉट यू हैवंट। लेकिन ये बताने का ट्राई नहीं करना कि जो चीज़ रियल में आपको नहीं है और आप उसको जैसे समझाना चाहते हो कि भाई आपको ये चीज़ है, दैट मीन्स जो चीज़ आपको नहीं है उसका प्रिटेंड मत करना कि वो चीज़ आपको है, क्योंकि वो उसको पागल नहीं है, वो एक्सपर्ट है, नॉलेजेबल पर्सन है, यानी उसको तो ऑन द स्पॉट पता चल जाएगा कि रियल में ये चीज़ नहीं है। ओके, नॉट दैट यू वुड डिसीव एनीवन, यू रियलाइज आप किसी को भी जो चीज़ आपके पास नहीं है यानी जो चीज़ आपको नहीं है वो बॉडी में वो चीज़ है, ऐसा आप किसी को भी डिसीव नहीं कर सकते हो। ओके, इन शॉर्ट वो कहता है कि भाई आपको जो प्रॉब्लम नहीं है वो चीज़ आपको नहीं है, वो उनको खाली आपको बताना है, आपको जो रियल प्रॉब्लम है वो बताना, वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो सब कुछ काम करके देगा। यू आर द वर्स्ट लायर, आप दुनिया में सबसे वर्स्ट यानी सबसे ख़राब लायर यानी झूठ बोलने में, यानी इन शॉर्ट आप झूठ बोलने का ट्राई करोगे तो एनीबडी कैन रियलाइज दैट यू आर स्पीकिंग अ लाई। ओके, तो ये यूरी आल्बर्ट आइंस्टाइन को कह रहा है कि आप दुनिया में सबसे ख़राब झूठ बोलने वाले हो, इन शॉर्ट आपकी जो झूठ है वो ऑन द स्पॉट पकड़ी जाएगी, यानी ट्राई मत करना झूठ बोलने का। आल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर। अभी उसको अपॉइंटमेंट मिल गई, यूरी ने उसको तरह बता भी दिया। अभी जो आल्बर्ट था वो दूसरे दिन डॉक्टर को जो मिलना था तो उसके बारे में सोचने लगा कि मैं जाकर क्या बताऊंगा। ओके, व्हाट टू टेल द डॉक्टर, डॉक्टर को क्या कहूंगा, तो उसके बारे में उसके माइंड में क्या होती है, सोच चल रही होती है। व्हेन द टाइम अराइव्ड फॉर हिज अपॉइंटमेंट ही हैड वरीड ओवर इट सो मच दैट ही रियली वॉज क्वाइट नर्वस। तो जब वो टाइम आया, नज़दीक आ रहा था, तो वो रियली बहुत ही ज़्यादा अपसेट होने लगा और इस तरह से हो गया कि शायद उसको रियली जैसे नर्वस देखना हो जाएगा, इस तरह से वो इतना चिंतित हो गया, इतना वरीड हो गया। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि ये जो पेज नंबर 28 पर था, ये यूरी है वो कहता है कि भाई आप यहाँ पर पढ़ो, लेकिन जो आल्बर्ट आइंस्टाइन था वो कहता है कि भाई मुझे तो यहाँ से जाना है, आप मुझे ऐसा कोई डॉक्टर फाइंड आउट करके दो जो मुझे लिख कर दे कि आई हैव अ नर्वस ब्रेकडाउन। तो यूरी सोचता है कि भाई ओके, मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स है, वो सबके नाम याद करता है और उसको नर्वस ब्रेकडाउन का ही डॉक्टर चाहिए। तो वो सोचने के बोलते मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं किसी को पूछता हूँ कि कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए। उसके बाद वो वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट डे जब वो यूरी अल्बर्ट आइंस्टाइन को मिलता है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन पहले से भी ज़्यादा उसकी तबीयत, जैसे कि वो रियल में बहुत ही सैड था, बहुत ही दुखी था, क्योंकि उसके माइंड में अभी यहाँ से जाने के लिए ही प्लानिंग चल रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा अपसेट था। तो यूरी ने बताया कि अभी मैंने एक डॉक्टर फाइंड आउट कर दिया है। ओके, और उसका मैंने अपॉइंटमेंट भी ले लिया। जब वो पूछता कि भाई मुझे कब जाना है, तो बोले मैंने टुमारो इवनिंग की अपॉइंटमेंट भी ले ली है। और उसका ये एड्रेस का एक, वो क्या करता है, उसको कागज़ देता है। वो कागज़ में ये जो आल्बर्ट आइंस्टाइन है वो देखता है, तो उसका नाम लिखा था डॉक्टर अंस्टवेल। ओके, एंड पूछता है कि भाई ये जो नर्वस ट्रबल है उसमें ये स्पेशलिस्ट है। तो यूरी बताता है कि नॉट एग्जैक्टली, वो रियल बताता है कि भाई उसने लास्ट वीक ही ये फील्ड में क्वालिफाइड हुआ है, दैट मीन्स ही गॉट द डिग्री। ओके, और शायद अब उसके फर्स्ट पेशेंट हो गए, इस तरह से भी बता दिया। ओके, दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड ही इज़ अ स्टूडेंट, तो आप एक स्टूडेंट की तरह उसको बिलीव कर सकते हो। लेकिन हाँ, मैं अंश को बहुत ही सालों से जानता हूँ। फिर थोड़ी देर जैसे हेजिटेट कर कहता है कि वो पागल नहीं है, उसने आल्बर्ट को जैसे वॉर्न किया कि इन शॉर्ट वो कहना चाहता है कि तू जो भी बोल देगा और वो बात को एक्सेप्ट कर लेगा, स्वीकार लेगा, ऐसा नहीं है। दैट मीन्स वो इतना नॉलेजेबल, क्योंकि आज उसके पास डिग्री है तो इतना नॉलेजेबल है कि भाई तू कुछ भी बोलेगा और वो बात को मान लेगा, ऐसा नहीं है। दैट मीन्स वो उसको वॉर्न इसलिए कहता है कि
जो चीज़ नहीं है तू उसको प्रिटेंड मत करना कि तुझे ये प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम नहीं है वो प्रॉब्लम है, ऐसा डिक्लेयर करने का ट्राई मत करना। कि जो है उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करना और वो आपका काम कर देगा, क्योंकि आप झूठ बोलने जाओगे तो आप पकड़े जाओगे और आप पूरे वर्ल्ड में सबसे ख़राब झूठ बोलने में, यानी इन शॉर्ट वो आपको भी झूठ नहीं बोलते, यानी वेन एवर यू आर टेलिंग अ लाई दैट टाइम एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर स्पीकिंग अ लाई। ओके, दैट मीन्स डोंट ट्राई टू स्पीक अ लाई, जो है रियलिटी यू हैव टू इन्फॉर्म हिम। ओके, तो इस तरह से ये जो यूई है उसने इतना सपोर्ट किया अल्बर्ट को कि अपने एक फ्रेंड था जो डॉक्टर अंसवेल, उससे भी कांटेक्ट कराने का बात कर दिया और उसको भी पहले से जैसे इन्फॉर्म कर दिया भाई इस तरह से मेरा फ्रेंड है, उसको इतने टाइम के लिए लीव चाहिए और वो ऐसा लिखवाना चाहता है कि उसको नर्वस ब्रेकडाउन है, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। इस तरह से उसको भी पहले से इन्फॉर्म कर दिया था, उसके अपॉइंटमेंट लेकर ये जो अपॉइंटमेंट था वो अल्बर्ट को दे दिया। अभी अल्बर्ट सोचने लगा कि कल मुझे जाना है तो डॉक्टर से मैं क्या बात करूँगा, वो उसी बात पर नर्वस हो जाता है। धीरे धीरे टाइम नज़दीक आता जाता है तो और भी ज़्यादा क्या होता है, वो नर्वस फील करता है अपने आप को, क्योंकि जो चीज़ नहीं है वो चीज़ उसको क्या करनी है बतानी है, और वो सोच रहा है कि डॉक्टर मानेगा नहीं मानेगा क्या होगा, तो उसी में वो कन्फ्यूज़न है। अभी वो जब डॉक्टर के पास जाता है तब की बात है, आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल डॉक्टर वेल ही बिगन। अभी वो डॉक्टर के पास पहुंच गया जो अपॉइंटमेंट का टाइम था, उसी टाइम पर जाने के बाद ये डॉक्टर को कहता है आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल, मुझे क्या प्रॉब्लम है मैं आपके सामने डिस्क्राइब नहीं कर सकता। डॉक्टर वेल उसने स्टार्टिंग की, डोंट ट्राई, तो जो डॉक्टर था उसने कहा डोंट ट्राई, ट्राई मत करो, सेड द यंग डॉक्टर विथ अ फ्रेंडली स्माइल। तो उसने, ये जो यंग डॉक्टर था डॉक्टर वेल, ओके अर्नेस्ट वेल, तो उसने कहा ट्राई मत करो, उसने एकदम फ्रेंडली स्माइल देकर अल्बर्ट को कहा और फिर कहा यूरी हैज़ ऑलरेडी गिवन मी हिस्ट्री ऑफ द केस। उसने कहा कि यूरी ने मुझे पहले से ये केस के बारे में सब कुछ मुझे बता दिया है, इन शॉर्ट पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, तो आपको अपना जो प्रॉब्लम है वो किस तरह से डिस्क्राइब करना है आपको पता नहीं चल रहा है, तो आपको ट्राई भी करने की ज़रूरत नहीं है। ओ व्हाट डिड ही से, तो जब डॉक्टर ने कहा कि भाई मुझे ऑलरेडी यूरी ने ये केस के बारे में सब कुछ बता दिया है, ये जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो कहते ओ व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा आपको, तो डॉक्टर से ओनली दैट यू वॉन्ट मी टू थिंक यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन। तो उसने कहा कि भाई यू वॉन्ट मी, आप मुझसे ये चाहते हो कि आपको नर्वस ब्रेकडाउन है, आप मुझसे ये चाहते हो कि आपको क्या है नर्वस ब्रेकडाउन है, एंड से दैट यू मस्टंट गो बैक टू दैट स्कूल, और दूसरा आप स्कूल में वापस जाना नहीं चाहते। ओके, यानी जो रियलिटी थी यूरी टोल्ड द डॉक्टर, एंड डॉक्टर ने डायरेक्ट वो अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने वो बात कर दी कि भाई आप मुझसे ये एक्सपेक्ट रख कर आए हो कि भाई मैं आपको ऐसा लिख कर दूँ कि आपको नर्वस ब्रेकडाउन है और आप वापस स्कूल में जाना नहीं चाहते हो, तो ये डॉक्टर ने अल्बर्ट को कहा। ओ डियर, अल्बर्ट फेस फेल, तो ये सुनकर बोलता है कि ओ डियर, अल्बर्ट का चेहरा एकदम जैसे नीचे गिर गया। ही शुडंट हैव टोल्ड यू दैट, आपको वो रील में ऐसा नहीं कहना चाहिए था, कि इंसोर जैसे उसको लगा कि सब बात जो सच बात थी वो यूरी ने डॉक्टर को पूरी की पूरी बता दी। ओके, वो उसने कुछ भी हाइड नहीं किया, यानी वो सोच रहा है कि भाई रियल में ये बात यूरी को आपको कहनी नहीं चाहिए थी, ऐसा वो सोचता है। वाई नॉट, इजंट इट ट्रू देन, तो वो डॉक्टर बोलता है क्यों नहीं कहनी चाहिए, क्या वो सच नहीं है। ओके, क्यों नहीं कहनी चाहिए थी, क्या वो सच नहीं है, तो बोलता है कि यस दैट इज द ट्रबल,
यही तो ट्रबल है कि यही बात क्या है, सच है। यू नाउ यू विल से देर इज नथिंग रॉन्ग विथ मी एंड यू विल लेट मी टू गो बैक टू स्कूल। तो आल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि भाई सही बात है, यही तो ट्रबल है। अभी आप मुझे कहोगे कि आपको कुछ नहीं हुआ है और आप वापस स्कूल में चले जाओ, आप मुझे ऐसा कह दोगे। ओके, तो डॉक्टर कहता है डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर भाई ऐसा सच मत मान लो। ऐसा क्यों मान रहे हो? जो आप सोच रहे हो वो सब सच नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रीटी श्योर यू आर इन अ नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं सही बात बताऊँ कि यू आर रियली नर्वस अ स्टेट अबाउट दैट स्कूल। आप स्कूल को लेकर नर्वस हो, आप नर्वस हो लेकिन किसको लेकर? स्कूल के लेकर। जैसे आपको नर्वस ब्रेकडाउन नहीं है लेकिन फिर भी रियल में अगर मैं देखूँ तो आपको नर्वस ब्रेकडाउन है, लेकिन किसको देखकर? स्कूल को लेकर, क्योंकि स्कूल में आप जाना चाहते नहीं हो और इससे आपको क्या करना है, थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स चाहिए। इसीलिए आपको मेरे पास यहाँ पर ये एक एक्सपेक्ट लेकर आए हो कि मैं आपको लिख कर दूँ कि आपको क्या है, नर्वस ब्रेकडाउन है, कि जिसकी वजह से आप थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स हो जाओ, आपको स्कूल जाना पड़े नहीं। ओके, बट आई हैवन्ट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, सेड आल्बर्ट। आल्बर्ट बोले कि हाँ मैंने तो आपको इसके बारे में कुछ बताया नहीं अभी तक। वाइड आइड, एकदम अपनी आंखें वाइड करके, हाउ कैन यू नो दैट, आपको कैसे पता चला? आंसर आपको इससे पता चलता है कि यूरी ने, जैसे ये आल्बर्ट आइंस्टाइन उसका फ्रेंड है, इसी तरह से ये जो डॉक्टर वेल, ऑनस्ट वेल है, वो भी उसके इसी तरह से फ्रेंड है, कि जिसकी वजह से यूरी ने हर एक चीज़ आल्बर्ट के बारे में, हर एक जो चीज़ थी, रियलिटी थी, वो सब डॉक्टर वेन्स को क्या किए, बता दिए। तो जिसकी वजह से ये सब चीज़ वो डॉक्टर जानता है, इसीलिए वो आल्बर्ट एकदम सरप्राइज होकर बोलता है भाई मैंने तो आपको अभी तक कुछ बताया नहीं, तो आपको ये सब चीज़ कैसे पता चली? बिकॉज यू वुडंट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ यू हैडंट बीन प्रिटी क्लोज टू नर्वस ब्रेकडाउन, एंड दैट इज़ वाई नाउ, सेड द डॉक्टर बेसिकली, इफ आई सर्टिफाई that you have had nervous breakdown and must stay away from school for a while, what will you do? तो डॉक्टर बोलता है कि भाई आप इसकी वजह से ही यहाँ पर मेरे पास नर्वस ब्रेकडाउन का प्रॉब्लम लेकर ही यहाँ पर आए हो। फिर बोलता है ओके चलो, एकदम मैं आपको अगर सर्टिफिकेट दे देता हूँ कि यू हैव अ नर्वस ब्रेकडाउन, आपको मैं क्या करता हूँ, एक नर्वस ब्रेकडाउन का सर्टिफिकेट दे देता हूँ, तो जिसकी वजह से आपको स्कूल में जाना पड़ेगा नहीं, तो अब क्या करोगे? यानी ये जो टाइम आपको मिलेगा, ओके, जितना भी टाइम का भी डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन यू विल गेट द रिलैक्स फ्रॉम द स्कूल, तो ये टाइम में आप करोगे क्या? तो वो कह रहा है कि आई विल गो टू इटली, सेड आल्बर्ट। आल्बर्ट ने कहा कि मैं इटली जाऊंगा, टू मिलान, मैं मिलान जाऊंगा, वेयर माय पेरेंट्स आर, जहां मेरे क्या है, पेरेंट्स है। ओके, एंड व्हाट विल यू डू देयर, और आप वहां पर जाकर क्या करोगे? इन शॉर्ट ये डॉक्टर जानना चाहता है आल्बर्ट आइंस्टाइन से कि भाई आप जो ये स्कूल से रिलैक्स रहना चाहते हो तो उसमें आप क्या करोगे। तब आल्बर्ट कहता है कि मैं इटली जाऊंगा, उसके बाद कहता है मैं मिलान जाऊंगा जहां मेरे पेरेंट्स रहते हैं। तो बोले ओके वहां जाकर क्या करोगे? तो कि आई विल ट्राई टू गेट इनटू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट, वहां पर मैं इटालियन कॉलेज में और यहां इंस्टीट्यूट वहां पर मैं ट्राई करूंगा। ओके, हाउ कैन यू विदाउट अ डिप्लोमा, आप ट्राई कैसे करोगे कि आपके पास कोई डिप्लोमा तो है नहीं? क्या बोलते हैं डॉक्टर कि भाई आपके पास डिप्लोमा ही नहीं है, तो आप वहाँ पर जाकर कॉलेज में, जो इटालियन कॉलेज है और ये इंस्टीट्यूट है, आप सोच रहे हो कि वहाँ पर जाकर ट्राई करोगे, लेकिन कैसे ट्राई करोगे जबकि आपके पास तो कोई डिग्री तो अभी डिप्लोमा की डिग्री तो है नहीं? तो कहता है कि आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर
टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क। तो मैं अपने जो मैथमेटिक्स टीचर है उनको कहूँगा कि मेरा जो वर्क है वो कुछ उनको क्या करे दिखाए, एंड परहैप्स दैट विल बी इनफ। और मेरा जो वर्क है वही इनफ है। इफ़ माई वर्क माई प्रोफेसर माई मैथमेटिक्स टीचर विल शो, सो डेफिनेटली आई विल गेट द एडमिशन। उसको कॉन्फिडेंस था कि मेरा जो वर्क है वो इतना परफेक्ट है कि अगर मेरा वर्क मेरे टीचर ने दिखा दिया तो डेफिनेटली मुझे क्या हो जाएगा, वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। आई हैव लर्नड ऑल द मैथ्स दे टीच एट स्कूल एंड अ बीट मोर। तो उन्होंने जो मुझे स्कूल में जो मैथ्स टीच सिखाया था वो तो था, लेकिन उससे अ बीट मोर, उससे भी ज़्यादा मुझे सब मैथ्स क्या है लर्न है, वो सब मुझे याद है। एंड एडेड व्हेन डॉक्टर वे लुक्ड डाउटफुल, ओके, और बात करता गया, लेकिन डॉक्टर वेल को ये सब डाउटफुल लग रहा था बिकॉज ही डोंट नो अल्बर्ट आइंस्टाइन्स इंटेलिजेंस। उसकी जो इंटेलिजेंट था मैथ्स के बारे में, जो पावरफुल था फिजिक्स के बारे में, ये डॉक्टर वेल को पता नहीं था। लेकिन ये बोलता है कि भी मैं इस तरह से कर लूँगा, तो डॉक्टर वेल को जैसे कुछ डाउटफुल जैसा लगता है। फिर बोलता है वेल इट्स अप टू यू, ये आप पे ऊपर डिपेंड है। ही सेड आई डाउट इफ़ इट विल कम ऑफ, मुझे डाउट है कि ये इस तरह से होगा, बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनी वन एल्स मच गुड बाय स्टेइंग हियर। लेकिन हाँ, मुझे ये पता चल रहा है कि आप यहाँ पर रुकोगे तो आप कुछ नहीं करोगे, क्योंकि वो ऑलरेडी स्कूल से इतने परेशान हो गए हैं, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन, कि अगर जैसे वो बहुत ही नर्वस थे स्कूल से कि अभी और ज़्यादा दिन यहाँ पर रुके तो नर्वसनेस और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो बोलते कि ओके, वो आपको जो करना है आप पे डिपेंड है। आई डाउट इफ़ इट विल कम ऑफ, आप जो सोच रहे हो मुझे उसमें डाउट है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर रहोगे तो और भी ज़्यादा आप क्या होगे, परेशान होगे। फिर कहता है कि हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू स्टे योर शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, वुड 6 मंथ बी ऑल राइट। आप ये जो स्कूल से दूर रहना चाहते हो, यानी आप मुझसे जो एक्सपेक्टेशन लेकर आए हो कि भाई आपको ये जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से स्कूल से आप दूर रह सकते हो, तो आपको कितना एक्सपेक्टेशन है, क्या मैं 6 मंथ लेकर देता हूँ? अगर 6 मंथ आपको लिख कर देता हो तो वो ओके है, सफिशियंट है। तो ये जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, आप रियली बहुत ही काइंड हो, आप बहुत ही दयालु हो। इट्स इज़ नथिंग, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप बींग अ स्टूडेंट माई सेल्फ। तो मैं भी अभी क्या था, जस्ट स्टॉप, मैंने अभी स्टॉप किया एज अ स्टूडेंट, दैट मीन्स मैं अभी तक मैं भी स्टूडेंट था, लेकिन अभी जैसे आई गॉट द क्वालिफिकेशन एंड अभी मैं जैसे स्टूडेंट क्या हो गया हूँ, आज से स्टॉप हो गया हूँ, ओके। सो आई नो हाउ यू फील, इसलिए मैं जानता हूँ कि आप क्या फील कर रहे हो। हियर यू आर, ये रहा। डॉक्टर वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट एंड द बेस्ट ऑफ लक। डॉक्टर वेल ने ये अल्बर्ट आइंस्टाइन को वो सर्टिफिकेट जो वो 6 मंथ का था उसको लिख कर देना था कि दिस पर्सन हैव अ नर्वस ट्रबल, सो ही वॉन्ट अ 6 मंथ्स लीव। सो ऐसा सर्टिफिकेट ही मेड एंड गिव टू द अल्बर्ट आइंस्टाइन, और साथ में उसको ये भी कहा एंड द बेस्ट ऑफ लक, उसको बेस्ट ऑफ लक ही कहा क्योंकि उसका जो प्लानिंग था वो उसमें सफल हुए। उसके लिए वो पूछता है कि हाउ मच इज़ फॉर्मेलिटी, बोलता है कितना, तो बोलता है नथिंग, इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर, अगर आपके पास कुछ स्पेयर है यानी एक्स्ट्रा है, इन्वाइट यूरी टू मिल, आप यूरी को इन्वाइट करना मिल के लिए, ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड एंड योर्स टू। तो वो मेरा भी अच्छा फ्रेंड है और आपका भी अच्छा फ्रेंड है, आई थिंक, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। अल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर, अल्बर्ट के पास एक्स्ट्रा मनी नहीं थे, बट ही प्रिटेंड्स, लेकिन उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि ही हैड एन लुक टूक यूरी आउट टू सपर, लेकिन उसने बोला कि हाँ मैं यूरी को बाहर खाने के लिए ले जाऊंगा, ऐसा उसने प्रिटेंड किया। उसके पास था कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उसने डॉक्टर के सामने कहा कि ओके मैं उसको बाहर सपर के लिए यानी डिनर के लिए ले जाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो है आपका पेज नंबर 29 कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको यहाँ तक सब कंप्लीट पता चल गया होगा। और अभी ये वीडियो के एंड में आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें क्वेश्चन आंसर होंगे,
वो आपको लिख देना है, दैट इज़ अ होमवर्क एंड थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।